अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हालचाल हैं आप लोगों के। तलाल द लॉयर इज हेयर। आई होप कि आपके पेपर्स ख़त्म होने के बाद आप लोग अपने रिलैक्सेशन मोड में आ चुके हुए होंगे और प्लानिंग कर रहे होंगे कि अब क्या करना है। आई एम कॉन्स्टेंटली रिसीविंग डिफरेंट कॉल्स एंड मैसेजेस फ्राम अदर स्टूडेंट्स कि सर पेपर कॉम्बिनेशन का क्या करना है, कौन से पेपर्स लें, नई स्कीम आ रही है, उस हिसाब से थोड़ा गाइडेंस दीजिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ऑन बिहाफ ऑफ TSA ये बता देना चाहता हूँ कि 18 सितंबर को कमिंग सैटरडे को हमने एक ओरिएंटेशन प्लान किया है। मैं भी वहाँ पे होंगे और बाकी भी सब होंगे ताकि हम आपको थोड़ा सा गाइड कर सकें कि सब्जेक्ट सिलेक्शन और नई स्कीम के हिसाब से सब्जेक्ट सिलेक्शन का क्या करना है, किस तरीके से करना है। और फिर इंशाल्लाह 20 सितंबर मंडे से ऑनवर्ड्स क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। इतनी जल्दी क्लासेस क्यों शुरू कर रहे हैं, अभी तो पेपर्स ख़त्म हुए थे। आई नो इस किस्म के क्वेश्चंस भी आएंगे, बट बच्चों 3 पेपर्स देने हैं एज यू नो न्यू स्कीम के हिसाब से, और फिर टाइम का भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाएगा अगर हम ज़्यादा अच्छी तरह से स्टार्ट करेंगे। अभी बहुत सारे बच्चों ने मुझे पेपर्स के बाद ये इन्फॉर्म किया कि सर हमने कोर्स थोड़ा लेट शुरू किया था अपनी स्टडीज़, तो उसका हमें एग्ज़ाम्स में इम्पैक्ट आया। तो हम ये चाहते हैं कि इस दफ़ा आपकी तैयारी बहुत अच्छी स्मूथी तरीके से हो, नई स्कीम के हिसाब से हो, ताकि कोई परेशानी ना हो। जहाँ पे TSA की बात करेंगे तो मैं क्या बात करूँ यार, 23 ईयर्स ऑफ लेगेसी माशाल्लाह, मेरिट होल्डर्स पाकिस्तान में इससे ज़्यादा किसी के पास नहीं है। द मोस्ट सीनियर फैकल्टी, द मोस्ट एक्सपीरियंस फैकल्टी एंड द मोस्ट कंसिस्टेंट फैकल्टी। यानी कि मैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, आपको सारे सब्जेक्ट्स में कंसिस्टेंट फैकल्टी मेंबर्स जो अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको इंशाल्लाह पेपर क्लियर कराएंगे और आप भी अगले मेरिट होल्डर हो सकते हैं TSA के। इसके अलावा यकीनी तौर पे आपने ख़ुद ऑब्ज़र्व किया होगा, देखिए मैं जो बातें कर रहा हूँ मुझे पता है कि आप ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं। जो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है हमारा वो आपको तैयारी करने की जो एक मौका प्रोवाइड करता है बिफोर द पेपर्स, वो यकीनी तौर पे हमें सबसे डिफरेंट करता है। स्टूडेंट एंड टीचर रेशियो क्लासरूम्स में हम ऑब्वियसली एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रखते हैं ताकि पर्सनलाइजेशन बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट कायम रहे। टीचर के पास जाना, इवन मैं तो एक बहुत छोटा सा टीचर हूँ, हमारे सर ST साहब जो हैं वो इतना ज़्यादा पर्सनली इंटरेक्ट करते हैं स्टूडेंट से और स्टूडेंट के प्रॉब्लम से, और सेशन के दौरान कोई भी इशू हो जाए तो आपको पता है कि किस तरीके से उसको फ़ौरन रिजॉल्व किया गया। और यकीनी तौर पे हम आपसे सिर्फ इतने कहना चाहेंगे कि ज़रूर आइए ओरिएंटेशन में, मुलाकात कीजिए, अपने तमाम कंसर्न्स लेकर आइए, हम यहाँ बैठे हुए हैं, आपके कंसर्न्स को सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह, और फिर क्लासेस ज्वाइन कीजिए ताकि डेफिनेटली नई स्कीम में भी हमारा और आपका रिलेशनशिप बरकरार रहे। तो फिर स्टूडेंट्स इंशाल्लाह आई होप टू सी यू ऑल ऑन द कमिंग सैटरडे। टाइमिंग विल बी कम्युनिकेटेड टू यू लेटर, लेकिन इंशाल्लाह आइए हमसे मिलिए ताकि दोबारा से हम लोग आए के आपके एग्जाम्स में झंडे गाड़ के आएँ और आगे मूव करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।